हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बाहर का मौसम हो रहा है बहुत ही फिर से बारिश वाला। देखो गाइस, बाहर हो रही है बारिश और अभी अभी स्टार्ट हुई है। इधर देखो, इधर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो ज़्यादा बारिश हो रही होगी। तो अभी हो रहा है पानी गर्म पीने का। ये देखो यहाँ वंशु को, वंशु ना सुबह 7 बजे उठ गया है। 7 बजे उठ गया आज वंशु ना, आजकल ना शाम को रोज 6-7 बजे सो जा रहा है और सुबह उसी टाइम उठ रहा है। मतलब पूरा 12-13 घंटे की नींद ले रहा है आजकल, 3-4 दिन से कंटिन्यू। तो गाइस, शानू जी ये रही, तो देखते हैं आज शानू की तबीयत कैसी है। हाय गाइस, कैसी है तबीयत आज? तबीयत वैसी है, वैसी है। वही गैस हो रही है आज भी। गैस कब हो रही? कल तो गैस हो रही थी। गैस नहीं हो रही है, कल के ब्लॉग में गैस चला गया है। आज के ब्लॉग में क्या है बता। हाँ, वो अपलोड भी हो गया, वो गैस वाला। क्या है आज? कुछ नहीं है, गैस पाक गई। गैस एक्चुअली हमारी खत्म हो रखी है, तो नया सिलेंडर भरवाना है, बस यही है गैस। तो गाइस, अभी शानू सब्जी बना रही है और सब्जी बन रही है आलू गोभी और गाजर। ये स्पेशल है, आलू है तो इसका बनेगा आलू का पराठा बच्चों के लिए। हाँ, फिर चलेंगे। पहले पहले गुड मॉर्निंग करो सबको। गुड मॉर्निंग बोलो। गाइस, बारिश हो रही है आज। बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, हो रही बारिश नहीं हो रही, हो रही नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। देखो हो रही है, नहीं हो रही। देख पीछे, देख देखो, नहीं हो रही, नहीं हो रही। पा कर दो छपको, चलो हाथ से, हाथ से, हाथ से भाई। हम चौथ है, प्लीज कर दो। मैं फिर छत पे ले जाता हूँ, फिर छत पे ले जाता हूँ। चौथ पहले पा कर दे, नहीं कर रहा। देखना इसको पा करने के लिए बोल रहा मैं, कह रहा चोट लगी हाथ पे, कितना नाटक दिखा रहा। तो गाइस, शानू ने आज इस घी से बना रखे हैं पराठे। तो ये क्यों निकाला? ये दिया था शानू की छोटी बहन ने, जो मैं परसों सामान लेने गया था ना देहरादून, घी था उसमें और बाकी अरबी मैंने दिखा दी थी और कुछ संतरे थे, मंडवा कोदा। तो वंशु दिखा रहा है नीचे से निकाल के, दिखाओ पूरा थैला निकाल दे। देखो तो इसमें था बहुत सारा सामान, आलू नहीं गेंठी है वो, ये तो ये संतरे ना बहुत ही ज्यादा मीठे हैं। हाँ, इसे चाकू से काट के खाते हैं ना। हाँ, पता नहीं किसके पेड़ का। ये देखो, ये बहुत ही जबरदस्त मीठा है भाई, ये पूरा पहाड़ी संतरा है। ऐसा बोलो मौसी जी थैंक यू। बोलो ना, मौसी है यहाँ फोन में, बोलो मौसी जी थैंक यू। हाँ चलो, कपड़े पहनो, रखे आपके कपड़े, बाहर बारिश हो रही। तो गाइस देखो, अभी दोनों श्रियांश और शानू दोनों सौरव जोशी का ब्लॉग देख रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं साथ में बैठ के। वंशु अपना खेलने में मस्त है। सो गाइस, सौरव जोशी के ब्लॉग ना हमारे घर में हर दिन देखे जाते हैं, फैमिली ब्लॉग होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो वी लव यू सौरव जोशी भाई। देखो गाइस, वंशु ने अपने सारे टॉयज कैसे लगा दिए लाइन से। अच्छा हाँ, ये चलेंगे अब, चलाओ बहुत तेज चलाओ। हाँ, ये। और गाइस, बारिश होगी तेज, जैसे मेरे ड्यूटी जाने का टाइम हुआ और बारिश तेज होगी, तो अभी फिर से रेनकोट निकालना पड़ेगा, रेनकोट पहन के ही जाना पड़ेगा। गाइस, अभी 9:30 हो गया तो मैं अब तैयार होता हूँ, काफी लेट हो गया, बट बारिश होगी ना इस वजह से लेट हो गया। तो श्रियांश अभी ऑनलाइन क्लास चालू हुई है, तो मैं तैयार होता हूँ, रेनकोट पहन के ही चलता हूँ। सो गाइस, रेनकोट मैंने पहन लिया है। सनु बाय बाय बाय। तो गाइस देखिए, पूरी बारिश हो रही है, वंशु मुझे छोड़ना आ रखा। बाय वंशु, बाय, पा कर दो, जाओ। तो गाइस, अभी 2:45 हो गया है और अभी अभी आया मैं लंच पे, तो वंशु अभी रेडी हो रहा है, श्रियांश भी रेडी हो रहा है, दोनों का ट्यूशन का टाइम है 3 बजे का। वंशु कह रहा नहीं है कि तो अभी लंच नहीं हुआ है, तो पहले लंच करते हैं, 10-15 मिनट में लंच हो जाएगा, तो 3 बजे वंशु को छोड़ने जाता हूँ। बाहर मौसम वही हो रहा है बारिश वाला, बट अभी थोड़ी देर बारिश रुकी हुई है, कंटिन्यू
बारिश लगी हुई है सुबह से। गुम्मा चलना। कहाँ चलना है? गुम्मा। गुम्मा? गुम्मा चलना है ना? चलो गुम्मा चलेंगे अभी, ठीक है? नहीं आज। क्या? आज। हाँ हाँ आज, अभी कल की तरह चलेंगे, ठीक है? नहीं। क्या? हाँ चलो अभी नहीं यार, अभी लंच करते हैं पहले। अभी आप ना कल की तरह, कल की तरह करने लग गया यार ये फिर से। ले मफलर निकाल दिया मेरा वंशु, मफलर गंदा हो रहा मेरा, गाड़ी पे मत बांधो मफलर को वंश, सुन ही नहीं रहा यार ये। बाय बाय। भैया तो गया ट्यूशन, वंशु मां मत बांधो मफलर को मेरे, देखना गाड़ी में चढ़ के ना तब बांध रहा, और गिरेगा ना तो दांत टूट जाएगा आगे का। तो गाइस चौंसू बना रखा है शानू ने। तो गाइस चौंसू ना हमारे घर में बहुत ज्यादा बनता है, तो चौंसू हमें बहुत पसंद भी है, और जब पसंद है तो तभी बनता भी है। चलो भाई वंशु फटाफट से शूज पहनो, 3 बज गए हैं। क्या बैग नहीं लाना? नहीं। हाँ बैग नहीं ले, नहीं ला रहा। अच्छा लॉक करूंगा ना। हाँ चलो चलो, फिर से लॉक करने लग गया कल की तरह। पापा फिर कौन ले जाएगा हमें? पापा को लॉक कर दोगे तो? बैग नहीं ला रहा, बैग नहीं ला रहा, बैग नहीं ला रहा। चलो हाँ वहां पे रख दिया, मैं गाड़ी आगे करता हूँ, ठीक है? आ जाओ बैठने दो। वंशु पीछे बैठेगा मम्मी के पास? नहीं, मैं तो आगे ही बैठेगा। चल ठीक है, कौन सा है? बस यही है ना। तो गाइस अभी अमेजोन वाला आया था डिलीवरी बॉय, तो वो सामान देके गया हमारा, कुछ मंगाया था मैंने ऑनलाइन, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। कहाँ से होगा यार सील्ड? ओह यहाँ से, नहीं नहीं हाँ यहाँ से, बट मैंने वहां से खोल दिया नीचे से। पट पट भी मिल गए भाई बहुत सारे वंशु को खेलने के लिए। तो ये देखो गाइस क्या मंगाया मैंने ऑनलाइन, ये है वाइट फ्लोर क्लीनर, तो इसको फिनाइल बोल देते हैं। तो ये आया है, कितने का आया? 5 लीटर है, 325 का। गाइज ये है 5 लीटर 325 का। तो गाइज अभी 4:30 हो गया है, वंशु भी आ गया है ट्यूशन से, उसे लेके आ गया मैं अभी, और श्रियांश भी आ गया है। तो अभी मैंने कहा मैं जरा छत से आपको स्नो दिखाता हूँ, सामने वाले पहाड़ में ना स्नो फॉल हो रखा है, कैमरे में तो नहीं आएगा फिर भी मैं दिखाई देता हूँ एक बार आपको। सो गाइज सामने वाली जो पहाड़ी है ना, ये इस वाली पे पड़ रखी है बर्फ, और इस वाली पे तो बहुत दूर है, लेकिन ये वाले अब थोड़ा सा लग रहा है ये वाला, और यहाँ पे तो चमक भी रही काफ़ी। तो गाइज ये है चक्राता की पहाड़ियाँ, चक्राता काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जौनसार बाबर क्षेत्र है ना जो, तो उस जगह पे पड़ता है चक्राता, तो ये वहाँ की पहाड़ियाँ हैं। तो गाइज दोनों आ चुके हैं ट्यूशन से, और ये देखो श्रियांश की जैकेट कितनी प्यारी लग रही है, ये जैकेट बहुत अच्छी लगती है ना। ये देखो मैं अभी पॉपकॉर्न ले आया, अभी इसका मैजिक बटर बनने वाला है। क्या लिखा था? हाँ बटर रहता है इसके अंदर, बस इसको कुकर में डालो और मजे से खाओ। और जब पॉप अप होगा ना तो उसे जिसमें भी रखा होगा उसे हिलाना है, पट 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 की आवाज आएगी अंदर, 1-2 सेकंड्स तक, उसके बाद हिलाना उसे। वाह यार, है हेल्दी नहीं होते क्या होते? तो चलो अभी शानू ने फर्स्ट क्लास चाय बना दी है, और मैं रस भी ले आया था अभी, तो अभी चाय रस खाते हैं सब मिलके। चलो बैठो, सब बैठो यहाँ। और गाइज मेरी चाय ये रही, तो मैं भी पीता हूँ चाय अपनी। शानू पी ली चाय सबसे पहले? कम बनाई थी क्या? कोई नहीं, ये वाली ले ले थोड़ी सी, ये वाली ले ले। अच्छा लास्ट में पिएगी, चल ठीक है। तो गाइज अभी 8:15 बज गया है, और अभी बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो मैं रेन कोट पहन के आया था, तो मैं भीगा नहीं, और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको शाम को मैंने पहाड़ी पर बर्फ दिखाया था ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है उस पहाड़ में, तो बहुत कम गिरती है बर्फ, तो जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता तभी गिरती है। तो अभी हम बना रहे हैं, एक तो चाय बना रहे हैं, और दूसरा हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पॉपकॉर्न। हाँ 10 रुपये का पॉपकॉर्न है पैकेट में, तो इसको बना रहे हैं हम अभी। इसको बचा के कैसे रखो यार, पूरा बना दो क्या? हाँ हाँ पूरा बना दे, उसके लिए बचा देंगे, इतना सा तो है वो।
बस ये डायरेक्ट ऐसे डालना है कुकर में, श्रियांश बताएगा, बताओ। 3 मिनट। 3 मिनट क्या करना है? 3 मिनट में बनाए अपने पापा का सिनेमा हॉल। वही बनाए क्या? तो वही बनाए पापा का सिनेमा हॉल। अच्छा वही वाला है ये तो सिनेमा हॉल वाला निकला। मैं अच्छा दिख रहा हूँ इसमें? हाँ तू बहुत अच्छा दिख रहा है। बाल, हाँ बाल भी सही कर दो। अब मैं चाहती हूँ ऐसे। तो गाइस हम तीन ही दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वंशु अभी अपनी निंद्रा में है। आजकल बहुत बढ़िया नींद मार रहा है, और जब से ट्यूशन जा रहा है पूरे 12-13 घंटे सो जा रहा है, 10 मार के। बाकी कह रहा कि जो करना है कर लो तुम, मैं तो जा रहा सोने। और शानू को आज बिल्कुल फिट है, आज सही है। गैस घूस तो नहीं बन रही यार? मतलब गैस तो ठीक है, घूस क्या हुआ? गैस घूस तो नहीं बन रही? घूस आपको बन रही। कल मम्मी को गैस बन गई थी, पता तुझे तो पता ही है। एसिडिटी बोलते हैं उसको। अच्छा वो तो एसिडिटी हुई, अब बाकी जो आवाजें निकलती है तो कौन कौन इंसान नहीं है जो वैसी आवाज नहीं निकालता होगा। मैं भी निकालता हूँ वैसी आवाजें, श्रियांश ऑलरेडी निकालता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक नेचुरल चीज है। तो क्या बोल रहा है? नेचुरल चीज है भाई वो, बस बोलने में थोड़ी शर्म लगती है, बट कोई ज्यादा वो नहीं है। मटपट हो रहा है यार। मुझे तो फुल मजा आ रहा है इसे देख के। पर नहीं हुआ यार, कंप्लीट नहीं हुआ। और पका इसको? नहीं 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 अभी नहीं पके। हाँ, नहीं पके। ये देख अभी गाइस पक गए, देखो मजेदार पॉपकॉर्न बना दिया यार। वो लाने पड़ेंगे ना पॉपकॉर्न वाले जो मक्के आते हैं ना? पर ये बात है गरम है यार ये, नहीं गरम नहीं स्वादिष्ट है। देखो गाइस पापा का सिनेमा हॉल बना दिया हमने घर में ही। कुछ बच गया है। ये देखो गाइस आज बन रहा है बेसन का अंडा, अंडा पकौड़ा बन रहा है। देखो ये बेसन है, इसमें मिर्च मसाले डाल रखा, और ये अंडा है, और अंडे में लगा के यहाँ हो रहा है फ्राई। तो आज बन गई है शानू ठेली वाली। बनाते हाँ तो ठेली वाली बनेगी, क्यों नहीं खाया? ओ अनमैरिड थे तब यही तो करा। ठेली पे तो खाया, ठेली पे तो खाया। और आज बन रहा है अंडा कड़ी, तो साथ में आलू भी है। 9:30 बज गए रात के, अभी तक खाना नहीं बना है, तो आज काफी लेट हो गए हम। तो गाइस देखो यहाँ श्रियांश पहुंच गया है और फ्रेंच फ्राइज बना रहा है अपनी पसंद का। हाथ मत जलाना वहां। और हमारा रोटी बनाने का प्लान कैंसिल हो गया है, और हम यही खा रहे हैं, बस फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। और अंडे हमने क्या है? पोटैटो फ्राइज। पोटैटो फ्राइज, हाँ हाँ। तो हम बस यही खाने वाले हैं आज डिनर में। इससे क्यों करा? बॉयल अंडे तो हमने सारे चटका दिए। गाइस देखो क्या जोरदार आवाज लगी है। तो गाइस 10:15 बज गया है, और आज का ब्लॉग यहीं पेंड कर रहा हूं मैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता तो लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी से न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।